तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल टीजर हमें देखने को मिल जाता है पबजी मोबाइल इंडिया ने बैटल ग्राउंड्स इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, पबजी मोबाइल जो इंडिया में हमें देखने को मिलने वाला था उसका नाम यहाँ पर फाइनली चेंज कर दिया गया। अब हमें यहाँ पर बैटल ग्राउंड इंडिया के नाम से ये गेम हमें इंडिया में देखने को मिलने वाला दोस्तों, ये जल्दी हमें इंडिया में भी देखने को मिलने वाला, क्योंकि ऑफिशियली इनके इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेज, हर जगह दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह हैं सब जगह वहाँ पर आप लोगों को ट्रेलर देखने को मिल जाता है, टीजर देखने को मिल जाता है। पबजी मोबाइल जो इंडिया है, जो बैटल ग्राउंड इंडिया में जो गेम देखने को मिलने वाला है उसकी एक टीज़र हमें फर्स्ट लुक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये कुछ इस तरह से आपको टीज़र यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। बिल्कुल हमें याद तो बिल्कुल पबजी की दिलाता है, सारा गेम प्लेन और जो मैप वगैरह है सब कुछ आप लोगों को पबजी की तरह ही देखने को मिलेगा, पर सिर्फ इसका नाम को चेंज कर दिया गया और इसके जो डेवलपर है उसका नाम को यहाँ पर चेंज कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों टेंसेंट जो है वो ऑफिशियली इंडिया में बैन हो चुका है, क्योंकि जो डाटा का ब्रीच हमें देखने को मिला था उसकी वजह से टेंसेंट को ऑफिशियली इंडिया में बैन कर दिया गया। अब दोस्तों पबजी यहाँ पर फाइनली टाइप कर रहा है क्राफ्टन से, और क्राफ्टन से टाइप करने के बाद हमें इंडिया में अब ये न्यू नाम से देखने को मिलने वाला है, बैटल ग्राउंड इंडिया के नाम से ये इंडिया में आने वाला है, और दोस्तों ये जल्दी हमें इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसकी ऑफिशियल टीजर देखने को मिल गया। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों का क्या अंदाज़ा है, क्या किस डेट तक हमें इंडिया में देखने को मिल जाएगा, क्या मे के मंथ में हम लोग इंडिया में इस गेम को प्ले कर सकते हैं, या फिर किस मंथ तक हम लोग इंडिया में इस गेम को प्ले कर सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, डेट जरूर बताएं दोस्तों, मैं आप लोगों का कमेंट का वेट कर रहा हूँ। मुझे तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता है कब किस डेट को ये आने वाला है, पर दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल टीजर देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें क्राफ्टन की तरफ से ये पबजी बैटल ग्राउंड इंडिया, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ये टीजर देखने को मिल जाता है।